हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तृप्ति एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ब्यूटीफुल चैनल एनपीसी, वेयर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स. एंड टुडे वी विल डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टोरॉइड. इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड एंड टोरॉइड इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके, एंड इन टोरॉइड वी विल ऑल्सो यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे. एंड यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ आपने नहीं देखा है, वो लेक्चर अगर आपसे मिस हुआ है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर की लिंक गिवन है. आप पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद में हम टोरॉइड पर डिस्कस करते हैं. ओके, सो टोरॉइड इज नथिंग बट अ होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली वाउंड. ठीक है, सिंपली ऐसा कहे कि हमने जो सोलेनॉइड लिया था उसको बेंड कर दिया है. ठीक है, उसको सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया है एंड वही शेप वही स्ट्रक्चर टोरॉइड कहलाता है. अब टोरॉइड के केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. सो टोरॉइड के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट रीजन में फाइंड करेंगे. ठीक है, जैसे इस तरह से हमने क्या किया, एक सर्कुलर रिंग लिया है और होलो रिंग है. ठीक है, मीन्स उसके इनसाइड फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है. ठीक है, ये जो सर्कुलर रिंग आपको दिख रही है इसमें करंट इस तरह से इंटर होगा. ठीक है, टोरॉइड से टर्न करता हुआ और यहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से करंट की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड है, मीन्स पॉइंट पर करंट यहाँ से गया तो इनसाइड, तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा जहाँ पर करंट इनसाइड होगा, सो क्रॉस से आप डिनोट करते हैं. ठीक है, क्रॉस से आपने डिनोट कर दिया ये वाला पॉइंट. ओके, सो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर इनसाइड होगी एंड इसके ऑपोजिट बाहर आउटसाइड होगी एंड आउटसाइड के लिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अब क्या करेंगे, टोरॉइड के केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम थ्री रीजन लेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपने एक जो इनसाइड जो होलोस्फीयर है, फ्री स्पेस है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी ले लिया. ठीक है, एक इस टोरॉइड के बीच में पॉइंट ले लिया एस एंड टोरॉइड के बाहर एक पॉइंट ले लिया क्यू. इन थ्री रीजन्स में हमें वन बाय वन मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. ओके, सो पॉइंट पी जो आपने इनसाइड लिया है, टोरॉइड के इनसाइड पॉइंट लिया है, वहां पर उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए पी के अलोंग हमें एक सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ में मैग्नेटिक फील्ड को हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास सिमेट्री हो. ठीक है, तो हम सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, पॉइंट पी के अलोंग एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो जो भी पॉइंट है आपका पी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उस पॉइंट के अलोंग एक सर्कुलर लूप हमने कंसिडर कर लिया. ओके, उसका रेडियस हम आर वन कंसिडर कर लेते हैं. ओके, एंड आउटसाइड टोरॉइड के आउटसाइड हमने पॉइंट क्यू लिया और उसके अलोंग भी क्या किया, सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया. उसका जो रेडियस है सेंटर से वो आर थ्री कंसिडर कर लिया, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट रीजन ले रहे हैं तो रेडियस भी डिफरेंट होगा. ठीक है, और इनसाइड सोलेनोइड का ये जो पार्ट है, यहां पर भी हमने एक पॉइंट लिया है एस, इसके अलोंग हमने सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया और यहां पर क्या होगा, रेडियस हम स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं. ओके, तो वन बाय वन हम पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट एस के अलोंग जो भी सर्कुलर लूप है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया पॉइंट पी के अलोंग जो सर्कुलर लूप है वो, मीन्स रेडियस आर वन है यहाँ पर. ओके, अब फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई. ओके, अब यहां पर देखिए बी जो है, बी पी के अलोंग, पी क्या है, एक सिमेट्री, और सिमेट्री है इन द सेंस हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को आपने आउटसाइड कंसीडर कर लिया. ठीक है, इंटीग्रल के आउटसाइड ले लिया एंड डी एल, डी एल मीन्स लेंथ, इस सर्कल की लेंथ, सर्कल का रेडियस आर वन है तो लेंथ हो जाएगा टू पाई आर सर्कमफेरेंस. ठीक है, आर वन. एंड इनसाइड, इनसाइड देखिए ये जो होलो रिंग है, होलो सर्कुलर रिंग है, इसके इनसाइड कोई करंट है ही नहीं. ठीक है, ये फ्री स्पेस में है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, मीन्स आई इनसाइड भी बोल सकते हैं इसको, आई इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, यहाँ पर आई इनसाइड जीरो होगा तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो जीरो होगा, इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड आपको पॉइंट पी के अलोंग जीरो मिलेगा. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन में हम आउटसाइड को देखते हैं. हम क्या करते हैं, आउटसाइड पॉइंट क्यू को देखते हैं. ठीक है, अब पॉइंट क्यू को अगर आप ले तो उसके अंदर, ठीक है, जो करंट आप आई इनसाइड कंसिडर करेंगे वो तो पूरा करंट आ जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी. हम क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, तो इनसाइड हम कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है जो आउटसाइड वाला करंट है वो नेगेटिव होगा. सो इनसाइड एंड आउटसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव, इन जो भी आप टोटल करंट लेंगे इनसाइड दिस टोरॉइड, वो क्या होगा, आपको साइन कन्वेंशन की हेल्प से फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स एक करंट अगर पॉजिटिव है तो सेकंड करंट नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, और पॉइंट क्यू के अलोंग इनसाइड टू टोटल इनसाइड जो करंट है, ठीक है, मीन्स डॉट वाले जो टोटल करंट है वो भी काउंट होंगे और क्रॉस वाले भी काउंट होंगे.
तो यहाँ पर हम ऐसा सपोज करते हैं कि सिमेट्री होने के कारण पॉजिटिव जितना करंट है उतना ही करंट नेगेटिव है, इन द सेंस टोटल करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, टोटल करंट यहाँ पर अगेन पॉइंट क्यू पर क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ओके, जैसे हमने ये नेक्स्ट स्लाइड में टोटल करंट आई इन साइड जीरो रखा तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पॉइंट क्यू पर, ठीक है, पॉइंट क्यू पर भी अगेन जीरो मिला। क्यों मिला, इसका रीजन पता चला आपको। ओके, अब हम थर्ड केस एंड लास्ट केस देखते हैं, पॉइंट एस। अगर आपको पॉइंट एस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो पॉइंट एस के इनसाइड ही करंट को कंसीडर करना होगा, और पॉइंट एस के इनसाइड करंट जो है वो क्रॉस दिख रहा है आपको ओनली। ठीक है, क्योंकि डॉट तो इसके आउटसाइड है, उससे आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको ओनली यहां कंसीडर करना। सो पॉइंट एस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें टोटल इनसाइड करंट लेना होगा, टोटल इनसाइड करंट को कंसीडर करना होगा। इनसाइड करंट जो है वो आपको दिखाई दे रहे हो, ये क्रॉस वाले करंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि डॉट वाला जो पार्ट है वो तो आउटसाइड है, वो कंसीडर नहीं होगा, ओनली क्रॉस वाला पार्ट होगा। ठीक है, क्रॉस इन द सेंस करंट इनसाइड जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन कैसे है, आउटसाइड। ठीक है, तो ये हमने फिंगर्स कर्ल की है और ये आउटसाइड कर्ल की है, तो थंब क्या पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, थंब क्या पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जैसे अगर आपने ये वाला जो पॉइंट लिया यहां पर, ठीक है, यहां पर हमने सपोज किया छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। ठीक है, अब यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अलोंग। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ वहीं यूज होगा या वहीं अप्लाई होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी या टेंजेंशियल होगी या जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके टेंजेंशियल आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ठीक है, मींस यहां पर आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है 100% वर्क करेगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड जो भी आप लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के टेंजेंशियल है, मींस कॉस जीरो। ठीक है, यहां पर दोनों की बी डॉट डीएल ये आपका B.dl, ये क्या हो जाएगा, BdL cos थीटा, और cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, थीटा की वैल्यू जीरो इन द सेंस वन। ठीक है, cos जीरो वन। सो आपका जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से यहां पर लिख देती हूँ मैं, बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। ठीक है, आई इनसाइड, बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, फॉर सिमेट्री। ठीक है, बी सभी पॉइंट पर, टॉरॉइड के सभी पॉइंट पर कॉन्स्टेंट है, तो बी इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा एंड डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड बचा। ठीक है, एंड यहां पर जो डीएल, यहां पर टू पॉइंट्स नोट करने लायक हैं कि जो डीएल लेंथ है वो टोरॉइड की लेंथ है, और आपने जो लेंथ कंसीडर करना है वो क्या होगी, पूरा सर्कुलर लूप की लेंथ। ठीक है, मीन सर्कमफेरेंस। तो एस के अलोंग जो रेडियस है वो हम स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल आर कंसीडर कर लें तो 2πr हो जाएगा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, तो डीएल के प्लेस पे हम 2πr पुट कर देंगे, और यहां पर आई इनसाइड सपोज हम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि टोरॉइड में कैपिटल एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स कितने हैं, एन टर्न्स है, और एक टर्न में जो करंट पास हो रहा है वो आई है, कैपिटल आई है, तो एन टर्न्स के लिए करंट क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। क्लियर है, व्हाट माय पॉइंट, एन इंटू आई। सो बी इंटू 2πr, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड हुआ म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। ठीक है, ये आपका मेन इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का इन टोरॉइड। अब इस टोरॉइड को अगर आप सोलेनॉइड से कनेक्ट करें, क्योंकि हम हमेशा हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही से कनेक्ट हुआ है कि टोरॉइड कैसे बनता है सोलेनॉइड को बेंड करके, तो हम टोरॉइड और सोलेनॉइड को मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, कि ये जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन इन द सेंस क्या होगा, टोटल टर्न्स, और हम सोलेनॉइड के केस में क्या फाइंड करते हैं, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, टोटल टर्न्स इन टोरॉइड पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स कितने हैं, स्मॉल एन। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में, तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ हो जाएगी उसका सर्कमफेरेंस 2πr, और टोटल टर्न्स कैपिटल एन, सो डिवाइड हो जाएगा कैपिटल एन टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो आपको टोटल टर्न्स आ गए पर यूनिट लेंथ में 2πr। यहां पे यहां से कैपिटल एन को सब्जेक्ट करेंगे, सो 2πr इंटू एन, तो कैपिटल एन के प्लेस पे 2πr इंटू एन कर दिया, सो आपको फाइनल इक्वेशन मिला मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई। ओके, सो दिस इज सिमिलर एज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, तो इस तरह की कुछ इक्वेशन मिली थी। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टोरॉइड का। टोरॉइड में हमें थ्री रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इनसाइड तो जीरो हो जाएगा, आउटसाइड भी जीरो हो जाएगा, मिलेगा कहां पर, टोरॉइड में जो बीच में पॉइंट है वहां पर। ठीक है, और ये जो गैप है, ये गैप बहुत बहुत कम रहता है टोरॉइड का, ये जो गैप है आइडियल टोरॉइड में ये बहुत कम रहता है, इसीलिए आपका ये इक्वेशन वर्क करेगा। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी, मैं आपकी हर डाउट को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगी। ओके, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, एंड
इस वीडियो को भी लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।